आज हम क्रीम को बीट करना सीखेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्रीम को बीट करना सीखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्पॉन्ज की रेसिपी शेयर की थी, आज हम क्रीम को व्हिप करना सीखेंगे। केक बनाने के बाद में केक बेस बन जाता है, उसके बाद में सेकंड स्टेज आता है कि हम इसकी आइसिंग कैसे करें। आइसिंग करने के लिए हमें क्रीम को पहले व्हिप करना पड़ता है। तो सबसे पहले यही आता है कि हमें कौन सी क्रीम लेनी है। हमें नॉन डेयरी क्रीम लेनी है। मार्केट में कई तरह की नॉन डेयरी क्रीम मिलती है, ट्रोपोलाइट, सन विप, बेकर्स, आप कोई भी जो आपके वहाँ पे अवेलेबल हो उसे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आज सन विप क्रीम से क्रीम को विप करना सिखाऊंगी। मैंने क्रीम को एक घंटा फ्रीज़र में से निकाल लिया है। आपको भी ऐसे ही करना है। जब भी आपको क्रीम व्हिप करनी हो, आपको फ्रीज़र से उसे पहले निकाल लेना है, 2-3 घंटे पहले निकाल के रख लेना है और उसको फ्रीज़र से डीप फ्रीज से फ्रिज में रखना है, हमें बाहर नहीं रखना है। और जितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए उसे सील को ओपन करके उतनी ही क्वांटिटी में हमें बाहर लेनी है और बाकी वापस सील पैक करके वापस हमें डीप फ्रीज में रखना है। क्रीम को हम ओपन कर देते हैं। ये देखिए, ये थोड़ी लिक्विड हो गई है और थोड़ी जमी हुई है। हमें ऐसी ही कंडीशन चाहिए। अगर हम पूरा लिक्विड कर देंगे तो क्या होगा, क्रीम हमारी गर्म हो जाएगी और क्रीम हमारे अच्छे से व्हिप नहीं होगी। क्रीम हमारी रेडी हो गई है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अब क्रीम रेडी हो गई है तो हम व्हिप किस में करें। आप हमेशा स्टील का कोई भी पतीला आपके घर में होगा उसमें ही क्रीम को व्हिप करें। उससे इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं और आपकी क्रीम जो होती है वो कभी भी जल्दी मेल्ट नहीं होगी। आपको कोई भी कांच का या प्लास्टिक का बोल नहीं लेना है। मैंने यहाँ स्टील का एक पतीला लिया है। यहाँ मैंने 1 कप लिक्विड क्रीम ले ली है, बिल्कुल ये मेल्ट हुई हुई क्रीम है। अब ये होता है क्वेश्चन कि हमें क्रीम केक के लिए हमें कितनी क्रीम चाहिए। 1/2 kg में हमेशा आपको 1 से 1.25 कप क्रीम आराम से उसकी आइसिंग अच्छे से हो सकती है और 1 किलो में 2 से 2.25 कप आपकी उसमें आइसिंग अच्छे से हो सकती है। यहाँ मैंने मुझे 1/2 kg का केक बनाना है तो मैंने यहाँ 1 कप क्रीम ली है। अब इसको बीट करते हैं। क्रीम को व्हिप करने के लिए मैं हमेशा आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपको बीटर से ही क्रीम को व्हिप करना है। कोई भी बैलून बेस्ट या हैंड ब्लेंडर से इसका रिज़ल्ट नहीं आता है और बेकरी स्टाइल जैसी क्रीम हमारी व्हिप नहीं होती है। अच्छे रिज़ल्ट के लिए आपको बीटर का ही यूज़ करना है और इसमें बीटर आपको 300 से 350-400 वॉट का आपको बीटर ख़रीदना ही पड़ेगा। इससे ही आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। इससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वो जो रिज़ल्ट हमें चाहिए वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। क्रीम को बीट करते समय हमें हाई स्पीड में हमें बीट पहले नहीं करना है। पहले हमें क्रीम को लो स्पीड पर बीट करना है 2 से 5 मिनट के लिए। उसके बाद में हमें स्पीड को बढ़ानी है। क्रीम हमारी व्हिप्ड होना शुरू हो गई है। हमें क्रीम को व्हिप करते समय पतीले को ऐसे चारों तरफ घुमाना है और फिर व्हिप करना है और विस्कर को भी हमें आगे पीछे करना है। एक ही जगह रख के हमें इसे विस्क नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, जहाँ से क्रीम बीच में से व्हिप होगी चारों तरफ से नहीं होगी। अब ये देखिए हमारी स्टिफ पिक बनकर तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको विस्क नहीं करना है, हमें ओवर बीट नहीं करना है। ओवर बीट करने से क्रीम का टेक्सचर जो है वो ख़राब हो जाएगा। क्रीम हमारी अच्छे से व्हिप्ड हो गई है। ये देखिए, ये पतीले से नीचे नहीं गिर रही है, इसका मतलब हमारी क्रीम अच्छे से व्हिप्ड हो गई है। क्रीम हमारी अच्छे से व्हिप्ड हो गई है। हमने उसके नीचे कोई भी तरह का आइसिंग बैग नहीं रखा है। उसके बाद में भी हमारे उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं। आप भी मेरे बताए हुए सारे टिप्स और ट्रिक के साथ में क्रीम को व्हिप करेंगे तो आपकी भी क्रीम अच्छे से व्हिप्ड होगी।
मेरी काफ़ी फ्रेंड्स का क्वेश्चन रहता है कि जब हम क्रीम व्हिप कर लेते हैं हमारी क्रीम अच्छे से व्हिप भी हो जाती है, पर जब हम आइसिंग करते हैं तो वो उसका रिज़ल्ट वैसा नहीं आता है, हमारी क्रीम मेल्ट होना शुरू हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? इसके मैं सारे डाउट्स आपको क्लियर कर देती हूँ। ये अभी देखिए, ये स्टिफ़ है इसकी क्रीम। इसके मैं आपको एक टिप बताती हूँ, हमें क्या करना है, एक कप में 1 पिंच हमें नींबू का सत डालना है, 1 कप में 1 पिंच और 2 कप में 2 पिंच हमें डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा, क्रीम आपकी जैसी है उस कंडीशन में ही रहेगी, स्टेबल रहेगी। ये देखिए, मैंने सारे क्रीम के डाउट्स आपको क्लियर कर दिए हैं। अब मैं आपको क्रीम की आइसिंग करके बताती हूँ। मैंने यहाँ एक पाइपिंग बैग ले लिया है और एक नोज़ल ले लिया है, और आप कोई भी ग्लास लेके इसमें बैग को सेट कर लेना है। यहाँ मैंने इसका कट लगा लिया है, ग्लास में इसको आपको अच्छे से सेट कर लेना है। और आपको इसमें क्रीम बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा एक साथ में क्रीम डालने से क्या होता है, क्रीम मेल्ट हो जाती है, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें थोड़ी थोड़ी क्रीम लेके ही वर्क करना है। ये देखिए, क्रीम हमारी अच्छे से व्हिप्ड हुई है तो उसका रिज़ल्ट हमें दिख रहा है, हमारी आइसिंग बहुत अच्छे से हो रही है। मैंने क्रीम के रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं मुझे। ये देखिए, बहुत अच्छे से आइसिंग हो रही है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।